पहुंचने वाला हूँ, तू कहाँ है? सोया पड़ा है ना? सीरियसली तुझे कोई वैल्यू नहीं है ना इस दिन की? कुछ भी हाँ, क्यों नहीं होगी मुझे वैल्यू? सुबह 6 बजे से उठ के तैयार होकर बैठा हूँ, आफ्टर ऑल हमारी दोस्ती की 3rd एनिवर्सरी है यार। सुन, मैं चूतिया बनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। देख, ये मैं बनाने वाला कोई नहीं होता, कुछ चीजें इंसान में ना बाय डिफॉल्ट होती है। 4 दिन है तेरे पास, कनाडा जाने के बाद तेरी जान कभी नहीं खाऊंगी। ओ भाई, कनाडा ही जा रही है, स्पेस में नहीं जा रही, ठीक है ना? ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, आ रहा हूं। तू आ रहा कि नहीं? 3 तक दिन आ रहा हूं। कर लिया मैंने, कुछ नहीं है। आरव, अरे कैसा है भाई? बस बढ़िया, सब सही। लॉन्ग टाइम यार, और क्या चल रहा है? आई थिंक तू पास्ट अब तक भूला नहीं है। वी आर वेरी सॉरी यार, जो भी हुआ इंटेंशन ही नहीं था। पता नहीं चला कब हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए। भूल जाना यार, लेट्स स्टार्ट अगेन। कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल यार, प्यार और गद्दार बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अरे चिल यार, मैं सब भूल चुका हूँ, लाइफ एक जगह रुकी थोड़ी रहती है। वैसे एक बात है, पहले हम सिर्फ दोस्त थे, अब पड़ोसी भी हो गए हैं यार। वैसे एक बात बता, तू तो अब तक सिंगल ही होगा ना? नहीं भाई, मैं क्यों सिंगल होऊंगा, बंदी है। क्या बात कर रहा है? वैसे आई एम सो लकी यार कि नंदिनी ने और मैंने लिव इन में रहने का डिसीजन लिया। इवन मैं भी लिव इन में ही रह रहा हूँ यार। सही में? हाँ भाई। कौन है वो, मिलवा दे भाई। एक्चुअली शी इज आउट समवेयर, अभी उसी को लेने जा रहा हूँ। तो फिर डन सीन है, एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए तेरे यहाँ पर, मिलते फिर शाम को, डन। समझता क्या अपने आपको? लोग ना दोस्ती के लिए जान तक दे देते हैं, तू इतना नहीं कर सकती? जान, ये फिल्मों वाले डायलॉग यहाँ तो मार मत। 1 हफ्ते पहले तुझसे 10,000 रुपए मांगे थे, तब कहाँ गई थी तेरी दोस्ती? हाँ तो तूने पैसे मांगे थे ना, तू जान मांग के दे ना, दू तो अभी दे दूंगा जान, बता। तेरी जान का तो पता नहीं, पर अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना, वो मेरी जान जरूर ले लेगा। यार प्लीज तू समझना यार, अगर उसे पता चल गया कि मैं आज तक मूवमेंट नहीं कर पाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यार, और मेरी इज्जत और तेरी इज्जत, हम दोनों बेस्टी है ना, तेरी भी तो इज्जत खराब होगी। मान जाना यार प्लीज। एक मिनट, तेरा दोस्त तेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से तेरा ब्रेकअप हो जाता है, और अचानक से वो लोग कुछ साल बाद तेरे घर के आगे शिफ्ट हो जाते हैं, और बजाय उन्हें कुछ कहने के तो कभी खुशी कभी गम की जय बच्चन की तरह उनका वेलकम करता है, और इतना सब होने के बाद भी तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को उन लोगों के आगे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखना चाहता है, ताकि उनको ये ना पता चल जाए कि तू नल्ला है, और अभी भी तू इज्जत की बात कर रहा है। हाँ तो उसके लिए तो मैं कमिटेड ही हूँ ना, बस तू मान जा प्लीज। इसमें मेरा क्या फायदा? अब तुझे ही क्या चाहिए? पर तू मुझसे प्रॉमिस करके तो मेरे बर्थडे पे कनाडा आएगा। पक्का 2 बार आऊंगा, 2 बार, 1 साल में 2 बार। यार तू कितना कमीना है, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा ना। तो तुझे जो फिक्र मेरी क्या? और भाई क्या हाल है? बढ़िया, तू बता। अंकल जी एक चाय देना। भाई मुझे ना यार एक सजेशन चाहिए था तुझसे। हाँ भाई, मैं ही दूंगा सजेशन, अब तो मेरे से सयाना कौन है ग्रुप में, पूछ पूछ। यार मैंने ना थोड़ी सेविंग्स कर रखी थी, और मैं चाहता था कि मैं उन्हें कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे और प्रॉफिट हो सके। भाई जैसे तुझे पता है कि आजकल सब डिजिटल हो चुका है, तो अपन ना ऑनलाइन इन्वेस्ट करेंगे। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ बेस्ट ट्रेडिंग ऐप वाइनमो के बारे में, इसमें तो गूगल, एप्पल गोल्ड और फॉरेन करेंसीज के सेट्स पर ट्रेड कर सकता है और 90% तक प्रॉफिट कमा सकता है, और भाई ये iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। तो लेकिन भाई इसको यूज कैसे करना है? अबे देख बहुत सिंपल है, ये देख, ये देख, मैंने आप 700 रुपए का ट्रेड अप में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जाएगा। ये देख, ये अब गया, देख मेरा फोरकास्ट सही निकला ना। सही है यार। और सबसे बेस्ट चीज पता क्या है, तो अपनी अमाउंट बैंक अकाउंट और पेटीएम दोनों में विड्रॉल कर सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या बात है यार। हाँ भाई बहुत सही है, और मिनिमम डिपॉजिट ना सिर्फ 350 रुपए है, और मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा ना तो डबल हो जाएगा डिपॉजिट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर, और तेरे डेमो अकाउंट में तेरे को 65,000 रुपीज मिलेंगे, जिसमें तू नई नई स्ट्रेटजीज बना सकता है। तो भाई ट्रेड वाइजली योर कैपिटल मे बी एट रिस्क। यार वो सही यार, मैं अभी डाउनलोड करता हूं। सो गाइस,
आप भी डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? चल ठीक है भैया, थैंक यू योर सजेशन के लिए। ठीक है, यार सुनना, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तू तो ये सब ड्रामे करता रहता है, पर मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। अगर पकड़े गए तो? अरे चिल करना, तू ये सोच मैं सच में तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। इससे अच्छा तो ना जहर दे दे। वो लोग आ गए, चल 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 दे हाय, वेलकम वेलकम, कम वेलकम। Let's. Nice house, यार. Well, thanks. Where is she? वाह भाई उनसे भी. She is getting ready. बस आती ही होगी. तुम बताओ, beer है इसकी? Let's wait for her. अभी तो जस्ट आए, लेट्स सी कैसा रहता है। डोंट वरी, अच्छा ही लगेगा। वी आर विद यू गाइस। क्यों जान, क्यों जान, जान जी जान जी, आई एम श्योर अभी तक इन्होंने आपको ड्रिंक्स ऑफर नहीं करी होगी। कम ऑन गाइस, you guys look amazing together. By the way, when did you guys came in relationship? आज सुबह ही। आज सुबह ही we finally decided कि हमें ट्रिप पर निकलना है, because we happily completed our 4 years. लेकिन 4 साल पहले तो we were in relationship ना? You are right. At that time we were just friends. She was totally mad about me. इसलिए इसका रिलेशन जो था वो 1 साल का इसकी तरफ से था, मेरी तरफ से रिलेशनशिप 3 साल गई है। सो तुम्हारे जाने के बाद शी इज द ओनली पर्सन आई हैव। आई लव यू बेबी। ओह माय गॉड, यू आर, यू लव मी सो मच। अच्छा तो प्रपोज किसने किया था? आरव ने। वी वांट टू सी इट अगेन, प्लीज डू इट ना। नो मच। श्रेया, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन, मेरे हर पल में तुम हो, सिर्फ तुम श्रेया। मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूं कि तुमसे प्यार कर सकूं, और तुम इसलिए एक ना एक दिन मेरी हो जाओ। श्रेया, अगर तुम अपने दिल से पूछोगी तो ये जान जाओगी कि मैं सच कह रहा हूं। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। भाई बहुत सही बंदी बटा ली तूने। ठीक है, 4 साल अब तक तो खा गया होगा पूरा। नहीं भाई, मैं उसके बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचता। है? भाई बंदी है ना वो तेरी। हाँ तो भाई सोचता वोचता नहीं है, डायरेक्ट करता है अपन तो। देख भाई, दिन का 3 बार तो मान लो, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, और बाकी कभी कभी जंक फूड भी हो जाता है। सही है बेटे। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ, तू बार बार क्यों पूछ रहा है? तुझे जेलिसी हो रही है ना, क्योंकि नंदिनी को ये सब चीजें पसंद नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, वो तो सिर्फ तेरे साथ था। अरे हम तो रोज करते हैं। बताया उसने मुझे, तुझे कैसे इग्नोर कर दी थी। इनफैक्ट यहाँ तो वो खुद करती है, और भाई वो तो बहुत वाइल्ड करती है यार। हाँ तो ठीक है ना, मेरे को बता रहा अपनी पर्सनल लाइफ।
मैं ड्रिंक बनाने जा रहा हूँ। यू नो व्हेन वी वर टुगेदर आर्यव एंड आई, वो पागल था मेरे लिए, कुछ भी करता था मुझे मनाने के लिए। एक दिन हमारी लड़ाई हुई, वो इंसान पूरा एक दिन मेरे घर के बाहर गिड़गिड़ाता था, बीबी प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज एक बार बात कर लो। लेकिन मैं फिर भी नहीं गई, बेचारा चला गया, इतना प्यार करता था पागल मुझे। शुरू से चूतिया था गई। सॉरी नथिंग, एक्चुअली मैं ड्रिंक लेने जा रही थी। यू वांट? थैंक्स। उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? हाँ कहा ना, बहुत तारीफ की तेरी, कि कैसे तू उसके घर के सामने वाला कुत्ते की तरह भावो करता था कि मुझे खाना डालो। उसे अभी भी मेरी सारी बातें याद है, वो तुझसे मेरे बारे में बात कर रही है। अबे तू चूतिया है क्या? तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अब फ्यूचर में वो मेरे साथ होगी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या करेगी इसमें यार। तू वो सब छोड़, तू बस एक काम कर दे, तू ये पता लगा दे उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ है क्या। सीरियसली वो रिलेशनशिप में है? वो पहले भी रिलेशनशिप में थी मेरे साथ, कहीं ना राहुल के साथ। तू बस ये पता कर दे उसके दिल में मेरे लिए कुछ है क्या। सुन भाड़ में जा, तू खुद जाके उससे बात कर, और मैं जा रही हूँ। कर लूंगा मैं, ठीक है बड़ी बात। आरव सॉरी यार पास्ट के लिए, आई नो मैंने गलत किया। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, नो वरीज। पता है मैं आज ही राहुल से डिस्कस कर रही थी कि जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया, दैट टाइम वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। वैसे वो टाइम वापस आ सकता है इफ यू वॉन्ट। सॉरी मेरा मतलब है अब तो हम पड़ोसी हैं ना, तो उस सेंस में। बेबी कम हेयर ना, देखो कैसे कुत्ते की तरह चिपक रहा है उसको। ए तू दांत क्यों फाड़ रही है उनको देख के? यार बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। काश। काश क्या? काश क्या? चल छोड़, उसके रिलेशनशिप में आना पड़ता है। ए ऐसा क्या कर सकता तेरा भी अब जो मैं नहीं कर सकता? ये सब तो मैं भी कर दूंगा, तू रहने दे। ए तू मेरा मैन उठ जाग मत कर, समझी ना। चल यार।